एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस तरीके की एक बहुत ही सुंदर सी मिक्की माउस स्टाइल में राखी बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस राखी को बनाने के लिए मैं ग्लिटर शीट का यूज़ करूंगी। इसके लिए आपको टू कलर्स की ग्लिटर शीट चाहिएगी, ब्लैक एंड सिल्वर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ग्लिटर शीट को किस तरीके से कट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट ली है और उसकी मदद से मैं मिकी माउस का फेस बनाऊंगी। तो देखिए, हमें इस तरीके से इसके फेस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप कंप्लीट फेस को एक रफ़ पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद उसके अलग अलग शेप्स को आप कट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप ग्लिटर शीट पे ट्रेस कर दीजिए। तो अब हम ब्लैक ग्लिटर शीट की मदद से कुछ कटिंग्स तैयार कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें कट करना है। एक तो हमें इस तरीके से कट करना है और उसके बाद आईज बनानी है हमें एंड नोज, एंड इस तरीके से हमें मिकी माउस की स्माइल को लुक देना है। तो देखिए, मैंने सभी पार्ट्स को कट कर लिया है। अब मैं इन सबको बुकरम पर असेंबल करूंगी। तो देखिए, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर का पार्ट लूंगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से ग्लू लगाऊंगी एंड उसके बाद अब मैं इसको बुकरम पर पेस्ट करूंगी। अब मैं इसके फेस को इस तरीके से पेस्ट करूंगी। तो अब जो ये हमारे बाकी छोटे छोटे पार्ट्स थे, मैं इनको पेस्ट करूंगी। मैंने ग्लू ऑलरेडी लगा लिया है। मिक्की माउस राखी बनाना बहुत इजी है, तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। देखिए, तो अब जैसे ये ड्राई हो जाएगा, मैं इसको सीजर की मदद से कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है साइड से। अब मैं इसको रिबन पे पेस्ट करूँगी। तो इसके लिए मैं रिबन को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी ताकि मुझे इसका सेंटर पार्ट पता चल जाए। और अब मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊँगी इस तरीके से एंड उसके बाद जो मेरा ये मिक्की माउस है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूँगी। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव लुक देने के लिए यहाँ पर हाफ कट पर्ल्स को पेस्ट करूँगी एंड ये हमारी सुंदर सी मिकी माउस राखी बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टैप करें। Thank you so much for watching my video. Bye. See you guys in my next video.